हेलो गाइस, आज के हम इस टॉपिक में सीखेंगे कि फायरवॉल क्या होती है। जो फायरवॉल होती है वो ना नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस है, या आप ना उसको सॉफ्टवेयर भी कह सकते हो, जो कि मॉनिटर करती है और कंट्रोल करती है इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को। मतलब कि इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को ना यहाँ पे ना मॉनिटर किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, और यहाँ पे ना रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। उसके बेसिस पे क्या होता है, नेटवर्क ट्रैफिक को ना मैनेज किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे प्री डिफाइंड रूल्स पहले डिफाइन होंगे और उसके बेसिस पे क्या होगा, ट्रैफिक को ना मॉनिटर भी किया जाएगा और कंट्रोल भी किया जाएगा। ये होती है फायरवॉल। फायरवॉल की वजह से क्या होता है, कोई भी ऐसी ट्रैफिक जो कि अनट्रस्टेड होती है ना, वो कभी भी आपके इंटरनेट नेटवर्क में नहीं जो है ना दाखिल हो सकती। इससे क्या होता है, सिक्योरिटी जो है ना बढ़ जाती है, या डेटा ब्रीच होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ये होता है फायरवॉल का ना पर्पस। अब की फीचर्स क्या है फायरवॉल के, जो इसका सबसे पहला की फीचर है वो है ट्रैफिक फिल्टरिंग। उसमें क्या होता है, ट्रैफिक को ना फिल्टर किया जाता है, ब्लॉक किया जाता है ट्रैफिक को, या अलाउ किया जाता है बेस्ड ऑन रूल्स। मतलब कि यहाँ पे ना रूल्स डिफाइन किए जाते हैं। मतलब कि यहाँ पे डिफाइन किया जाता है आईपी एड्रेस कौन सा जो है ना ब्लॉक होगा या अलाउ होगा, या पोर्ट्स कौन से अलाउ होंगे या ब्लॉक होंगे, या प्रोटोकॉल्स कौन से अलाउ होंगे या ब्लॉक होंगे। यहाँ पे रूल्स को डिफाइन किया जाता है ताकि ट्रैफिक को ना फिल्टर किया जा सके। अब जो इसका सेकंड पॉइंट है वो है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में क्या होता है, यहाँ पे ना नेटवर्क एक्टिविटीज के ना लॉक्स को मेंटेन किया जाता है। इससे क्या होता है, कोई भी सस्पेशियस बिहेवियर हो रहा है ना, उसको डिटेक्ट कर सकते हो आप आसानी के साथ। लॉक्स होंगे तो मिसाल लेते हैं, कोई भी एक्टिविटी हुई सस्पिशियस तो आप उसको देख लोगे लॉक्स में। तो इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। अब जो इसका थर्ड पॉइंट है वो है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैक। मतलब कि यहाँ पे ना शील्ड सिस्टम डिफाइन किया जाता है ताकि ना इसको थ्रेट से महफूज रखा जा सके। जिस तरीके से मेलवेयर हो गया, या कोई डॉस अटैक होगा, या अनऑथराइज एक्सेस जो है ना वो ना कर पाए कोई, इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे ना शील्ड सिस्टम डिफाइन किया जाता है। अब जो इसका चौथा पॉइंट है वो है नेटवर्क सेगमेंटेशन। नेटवर्क सेगमेंटेशन में क्या होता है, डिफरेंट सिक्योरिटी जोन्स को ना क्रिएट किए जाते हैं उसी नेटवर्क में, लिमिटिंग एक्सेस टू सेंसिटिव डेटा, ताकि सेंसिटिव डेटा के एक्सेस को लिमिट किया जा सके। अब जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो है एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल में क्या होता है, कुछ फायरवॉल्स होती है वो ना एक्सेस को कंट्रोल करती हैं टू स्पेसिफिक एप्लीकेशंस और सर्विसेज बेस्ड ऑन पॉलिसीज। मतलब कि ये किस जो है ना एप्लीकेशन को या सर्विसेज को एक्सेस कर पाएगा, वहाँ पे ना पॉलिसीज सेट की जाती है, उन पॉलिसीज के बेस पे ये किस एप्लीकेशंस या सर्विस को जो है ना एक्सेस कर पाएगा। ये होती है एप्लीकेशन कंट्रोल। तो ये था कुछ फायरवॉल्स के बारे में और उसके की फंक्शंस के बारे में। उम्मीद है कि आपको ना ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू।